तस्वीरें अब क्रिसमस की आपको दिखाते हैं। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना गाइडलाइंस के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है। हालांकि महामारी के प्रकोप के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है और दिल्ली चर्च के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए क्रिसमस का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। आज क्रिसमस का दिन है, ईसाई धर्म के सबसे बड़े त्यौहार यानी जीसस का जन्मदिन, और इस खास मौके पर दुनिया भर में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन कोरोना के चलते इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जो गोल्डा खाने के पास गिरजाघर हैं, यहां पर हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं ये गिरजाघर कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन सजावट की गई है, सजावट के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं, और इसके बाहर चर्च के यहाँ पुलिस बल तैनात हैं। लेकिन लोग आए हुए हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर, वो इस पर्व पर यहाँ पर अपने आराध्य को याद कर रहे हैं और आए हैं। ये दृश्य दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ पर जो लोग इस पर्व को मनाने आए हैं। मोमबत्तियां आप देख सकते हैं जीसस के जन्मदिन पर। कुछ कहेंगे आप यहाँ आए थे लेकिन बंद है आज, चर्च बंद है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं घर वापस जा रही हूँ, क्या कर सकती हूँ उसके अलावा। कुछ और कहेंगे, अगर लॉकडाउन में मंदिर खुले हुए हैं तो चर्च क्यों बंद कर रखा है? अगर शिवरात्रि पे दिवाली पे मंदिर खुले हुए हैं तो चर्च क्यों बंद कर रखा है? ये बड़े सवाल हैं, और ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाई गई हैं और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर जीसस की याद में वो मोमबत्ती जला रहे हैं, प्रेम और करुणा का संदेश वो दे रहे हैं। आप कुछ कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर सर जी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है अपना दर्शन करने देने जाना चाहिए था, अब कोविड की वजह से जो है दर्शन करने नहीं जाने दे रहे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और इस त्यौहार की तैयारी लोग कुछ महीनों पहले से ही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा है पर्व को। क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ पर आए आप लेकिन अंदर एंट्री नहीं हो पाई, आप कुछ कहेंगे? क्या करना, देखने आए, मिले नहीं देखने के लिए। चलिए, और ये आपको दिखाएंगे, यहाँ पर बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक ऐसे वक्त जब कोरोना का संकट है तो यहाँ पर आप भी आए थे चर्च में, चर्च बंद है लेकिन, तो क्या मैसेज देंगे आप? सर हमें अफसोस है कि चर्च बंद है, और वैसे सेफ्टी के लिए भी बंद किया गया है कोरोना वायरस से। हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज के दिन नहीं खुला है वो भी बेटर है, पर खुला होना चाहिए था क्योंकि धार्मिक प्रकार था। लेकिन कोरोना की वजह से ये गाइडलाइन है और इसलिए ये चर्च बंद है, ये कहा गया। दो दिन की छुट्टी थी और इसलिए कल यहाँ पर ये खोला जाएगा। आज के दिन खुलना चाहिए था, अभी आज के दिन खुलना चाहिए था जो कि नहीं खुला। ये देखिए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आए थे चर्च में यहाँ पर जीसस को याद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि बंद है इसलिए बाहर मोमबत्तियाँ जला रहे हैं, याद कर रहे हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संकट और जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंटेशन यहाँ पर मालूम हुआ है उसके बाद से चुनौती बनी हुई है, और ऐसे मौके पर जीसस को याद करते हुए लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके जन्मदिवस पर खास मौके पर याद करते हुए उनके दिए उपदेश को याद करते हुए वो अपने जीसस को, अपने भगवान को याद कर रहे हैं। कैमरामैन सुरबीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।